नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। जगदीशपुर जंगल कौड़िया रिंग रोड का निर्माण यहां चल रहा है, जो कैथवालिया के लोगों का यहां कहना है कि यहां जब रिंग रोड बन जाएगी तो यहां लोगों को बहुत कष्ट झेलना पड़ेगा, इसलिए यहां लोग आज धरना दिए हुए है। वो अंडरपास को लेकर यहाँ के लोगों ने धरना प्रदर्शन करना चालू कर दिया है। क्या नाम है भैया? राजा राम गुप्ता नाम है। यहाँ आप लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या समस्या है? समस्या सर बहुत बड़ी समस्या है। क्या कौन सा है जगह? ये ग्राम सभा कैथवालिया है, जो कैथवालिया से निकला हुआ है रिंग रोड आपका, जगदीशपुर से जंगल कौड़िया होते हुए गया रिंग रोड, उसी के बीच में एक मार्ग पड़ता है कैथवालिया और करमा संपर्क मार्ग, और इसके बीच में हम लोगों का लगभग 400 एकड़ खेती है। वो पूरा इसके एनएचआई के द्वारा जो है अधिग्रहित रास्ते में पड़ रहा है, और उसके पीछे जो पूरब साइड में है हम लोगों की पूरी खेती है, जो मुख्य मार्ग से सटे हुए एकदम खेती है फोर लेन पर। एक तो जमीन हम लोगों का ले लिए एकदम सर्किट रेट जो पुराना है 2013-14 का, उसके हिसाब से 72-73 हज़ार रुपया रेट जो चल रहा है मार्केट रेट, 4 लाख 5 लाख रुपया डिसमिन कौड़ियों के दाम दे दिए लोग। उसके बाद अनर्गल काम ये किए, दोबारा फिर आश्वासन दिए कि बढ़ेगा, आर्बिट्रेशन भी दाखिल किया गया, उसमें भी नहीं कुछ हुआ। आर्बिट्रेशन पे कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं अभी तक हुई। हम लोग दौड़ते दौड़ते परेशान हो गए जिलाधिकारी के वहाँ भी, 4-5 दिन लगातार धरना दिए, उसमें भी कुछ नहीं निष्कर्ष निकला। फिर उसके बाद कुछ दिन तक मामला ठंडे बस्ते में पड़ गया, उसके बाद फिर ये हुआ अनाउंस कि आप लोग अपनी अपनी खेती खाली कर दीजिए, कोई चीज़ बोआएगा नहीं। हम लोग बोए थे सारा, जोत वोत के नचाई वाले चले गए, जबरदस्ती कब्जा कर ली कुछ लोगों का, अभी हमारे गाँव में पैसा भी नहीं मिला है और SLO ऑफिस का चक्कर काट रहे लोग। उसके अलावा भी और सबसे बड़ी समस्या पानी की समस्या है। अब लोगों का पानी एकदम गांव में बाढ़ आ जाएगा, समझ लीजिए अगर ये बन जाएगा तो बाढ़ आ जाएगा। पश्चिम साइड में रेलवे का अंडरपास बना गया है, जो 4 महीने एकदम भरा रहता है, पानी निकलने का कोई समस्या निदान ही नहीं है। पूरब साइड में अपना फोर लेन ये बन रहा है, वो भी एकदम बाढ़ आ जाएगा। वो निष्कर्ष निकाला गया कि एक पानी निकलने का व्यवस्था दिया जाएगा, आदमी लोग कैसे जाएंगे? हम लोगों की खेती बाड़ी है, लगभग 400 एकड़ खेती है, वो टट्टा टाली भी मार्ग है वो बंद हो जा रहा है आप लोगों का, वो भी बंद हो जा रहा है। बारिश के दिनों में अंडरपास तो बना है लेकिन बारिश में एकदम बंद हो जाता है, आना जाना भी एकदम दिक्कत है। मान लीजिए बच्चे हैं पढ़ने जाते हैं, पेशेंट है कोई इत्तेफाक से बीमार हो गया, वो भी नहीं जा पाएगा। खेती बाड़ी का काम है वो भी नहीं हो पाएगा, मेन संपर्क मार्ग ही बंद हो जाएगा। इधर पूरब साइड से जो कोई आ ही नहीं पाएगा, स्कूल में बच्चे पढ़ने ही नहीं जा पाएंगे, सबसे बड़ी समस्या तो यही है। तो अब आप लोग क्या करेंगे अगर सरकार मांगे नहीं मान रही तो? अगला नहीं मानेगी, हम लोगों की माने तो रोड बनने नहीं देंगे, अंडरपास यहाँ पे अगर नहीं देंगे तो बनने नहीं देंगे। आप आज काम बंद कर दिया गया है लोगों का, अपना आप लोग तम्बू मुंह उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। क्या नाम है भैया? राजा राम। यहाँ आप लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या समस्या आ रही है? हम लोगों की समस्या ये कही है कि हम लोगों को खेती करने के लिए रास्ता कोई नहीं मिल रहा है। हम अपने गाँव से अपने खेत में जाने के लिए किधर से जाएंगे? जब ये 6 लेन या 4 लेन जो भी बन रहा है बन जाएगा तो ऊपर से हम लोग कैसे क्रॉस करेंगे? इसलिए हम लोगों की मांग है कि हम लोगों को एक अंडरपास दिया जाए हमारे गांव से सटे, जो हम अपने खेती के लिए जा सकें और खेती किसानी कर सके, जिससे हमारी ट्रैक्टर टाली आने जाने में सुविधा हो। कितने गांव प्रभावित हो रहे हैं? यहाँ से 3 गाँव प्रभावित है, कैथवालिया, करमा और उनौला। रोड बन जाता तो हम कैसे कपारे पर लेके जाए जब नहीं रह दिए थे। कितना दिन से ही रास्ता चलता है? बहुत दिन से हम बुजुर्ग हो गए वाणी, पता नहीं कौन पुरखा पुरनिया कराई है। हाँ अब बंद होए वाला? हाँ बंद हो कता। हमारा यहाँ खेती बाड़ी है, रास्ता हमारे के नहीं बाटे, रास्ता बंद हो कैसे आई जाइबे खेते खेते बाड़ी में? नहीं कब से आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं? अब जब हम के बिनहिया से बाटी अभी कोई कर्मचारी अधिकारी नहीं, कर्मचारी अधिकारी नहीं आई है। सब सुबह से यहाँ आकर रुकल वाला आदमी इंतजार करता है। कैथवालिया कह रहा आपका? हाँ। क्या समस्या है आप लोग? समस्या हम के रास्ता चाहिए भैया, खाली रास्ता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बस रास्ता हमारा मिल जाए। यह रास्ता चाहिए हम के, अच्छा से हमन के रास्ता दू गो रहा, अब एको नहीं मिला था तो कैसे हम के जाए सब खेती है रबा। खेती और मार्केट भी? हाँ यही लोग और जाए जला, लड़के पढ़े जाना, कैसे कंपाइन उम्पाइन आई गांव में कहाँ के काट पाता हाथे से? इधर ये बंद हो जाएगा उधर रेलवे से नहीं आ पाओ तो ऐसे रास्ते से आओ तो मन हाथे से काटत रहना है। आप सब खेत हम के लम्बा सीवान बाय हर कैसे जाए जाए बताई। क्या नाम है भैया आपका? दुर्गेश यादव। क्या समस्या है यहाँ आप लोग इकट्ठा? समस्या यहाँ मुख्य कारण है कि हम लोग खेती का रास्ता जो फोर लेन बन रहा है अंडर पास दे नहीं रहे, हम लोग टट्टा टाली अपना इंजन कैसे ले जाएंगे? खेती मतलब मुख्य कारण हम लोगों का खेती का, इसलिए हम लोग विरोध यहाँ पर कर रहे हैं। कितने गांव लगभग प्रभावित हो रहे हैं?
लगभग 5 से 6 गांव इसी रोड से सब बच्चे पढ़ने जाते हैं, किसान अपना खेती करते हैं। अगर यहाँ अंडरपास नहीं देंगे सब 7-8 किलोमीटर घूमकर इंजन लेकर पानी चलाने आएंगे, बहुत बड़ी समस्या है। बस यही अंडरपास का हम लोगों का समस्या समाधान कर दें, उसका अपना काम चालू करें। कोई कर्मचारी अधिकारी आपकी बात सुनने आया कि? नहीं नहीं कोई नहीं सुना। काम हो रहा है या काम बंद है आज? काम सब मना कर रहे हैं तो सब बंद कर रहे हैं, फिर चालू कर दे रहे हैं, इसीलिए सब जनता इकट्ठा हुई है। आज काम बंद है या कुछ चल? अभी सब जनता इकट्ठा हुई तो काम बंद है। हाँ, हम लोग करने नहीं देंगे तब तक हम लोगों का रास्ता क्लियर नहीं होता।